लक्षद्वीप मतलब लाखों द्वीप, जिसके नाम में छुपी है इसकी पहचान। पूरा लक्षद्वीप कुछ और नहीं बल्कि कई छोटे छोटे शानदार द्वीपों का समूह है जो एक दूसरे के पास स्थित है। सुनहरे समुद्र तट, नारियल के घने जंगल, जादुई लैगून और भी बहुत कुछ है लक्षद्वीप में, जिसके बारे में कुछ दिलचस्प जानकारियां आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आपसे रूबरू करवाते हैं भारत के इस खूबसूरत प्रदेश के। लक्षद्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित 36 द्वीपों से मिलकर बना भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इन द्वीपों में से सिर्फ 7 में ही लोगों का बसेरा है। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती, जो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ के सफेद चमकीले बालू वाले बीच तथा शांत वातावरण लोगों को काफी भाते हैं। लक्षद्वीप प्रकृति की गोद में बसा एक बेहद खूबसूरत द्वीप है और ये उन लोगों को छुट्टियों का सही आनंद देता है जो समुद्री तटों, पानी के खेल और सी फूड के शौकीन है। यहाँ का पानी इतना साफ होता है कि आप आसानी से पानी की सतह को देख सकते हैं। समुद्री जल में तैरती अनोखी रंग बिरंगी मछलियां इन द्वीपों की सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं। आकर्षक कोरल रीफ द्वीप के सुंदर नजारों के साथ साथ आधुनिक बुनियादी सुविधाओं का दिलचस्प मेल है यह प्रदेश, जो दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। लक्षद्वीप घूमने के लिए भारतीय और विदेशी पर्यटकों को कोची में परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ पर विदेशी सैलानियों को सिर्फ 3 द्वीप ही घूमने की परमिशन मिलती है, पर अगर आप एक भारतीय पर्यटक हैं तो आसानी से सारे द्वीपों की सैर कर सकते हैं। यहाँ सैलानियों के लिए कई शानदार रिजॉर्ट और होटल मौजूद हैं। लक्षद्वीप के द्वीप भले ही छोटे हों, पर यहाँ के लैगून काफी बड़े हैं। देश में लक्षद्वीप ही ऐसी जगह है जहाँ पर्यटक धरती की सुंदरता देखने के साथ साथ लैगूनों की रंगीन दुनिया में भी जा सकते हैं। आपको तैरना भले ही ना आए, पर आप यहाँ से समुद्र के भीतर की अनोखी दुनिया को देख सकते हैं। लक्षद्वीप के समुद्री तट के 132 किलोमीटर लंबा होने के कारण इस जगह को वाटर स्पोर्ट के लिए एक बेहतरीन जगह माना जाता है। स्कूबा डाइविंग जैसे एडवेंचर का लुत्फ आप यहाँ उठा सकते हैं। साथ ही यहाँ घूमने आने वालों के लिए मछली पकड़ना अपनी थकान दूर करने के लिए एक शानदार तरीका है। लक्षद्वीप में अगर पानी जमकर बरसता है तो सूरज की किरण भी भरपूर चमकती है। यहाँ के हर द्वीप से सूर्योदय और सूर्यास्त का रंगीन नजारा देखा जा सकता है। बहुत ही छोटा राज्य होने की वजह से लक्षद्वीप की आबादी सिर्फ 65,000 के आसपास है। यहाँ के लोग बहुत साधारण होते हैं और सरल जीवन जीते हैं, और ज्यादातर जनसंख्या को आदिवासी भी कहा जा सकता है। लोग यहाँ इस्लाम धर्म को मानते हैं और केरल के नजदीक होने की वजह से केरल की प्रथा और परंपरा का यहाँ पर काफी प्रभाव देखने को मिलता है। लक्षद्वीप की साक्षरता दर 92.28% है, जो कि मुख्य भूमि की तुलना में बहुत अच्छी है। मलयालम यहाँ बड़े पैमाने पर बोली जाती है और स्थानीय भाषा के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। वैसे तो लक्षद्वीप की अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग कृषि है, लेकिन मछली पकड़ना भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के लोग नारियल की खेती भी बहुत करते हैं, जो यहाँ की मुख्य फसल है। साथ ही पर्यटन उद्योग राज्य का सबसे सफल और नवविकसित उद्योग है। दोस्तों, क्या आप कभी लक्षद्वीप घूमने गए हो? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।